भाई बनारस से आपको दिखाएंगे गोवर्धन पूजा का कल्चर, जो बाल अधिकार संरक्षण कल्चर आयोग के सदस्य है, लोग कैसे आपसे भी आग्रह है उसको भी सम्मानित मंच पर पधारने का कष्ट करें। इस तरह से यहाँ पे जुनून है और लोगों का जो उत्साह, और सभी लोगों से हमारा आग्रह है कि कृपया अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें हमारे बीच में। कल्चर है और इस कल्चर टीम के साथ उपस्थित हुए हैं, हम आपका आभार प्रकट करते हैं, बताएंगे आपका अभिनंदन करते हैं कैसे सेलिब्रेट करते हैं लोग गोवर्धन पूजा पे। और बनारस के त्रिलोकी यादव जी आपका भी हम हार्दिक स्वागत बंधन अभिनंदन करते हैं। हमारे बीच में हम यहाँ पे दिखाएंगे यहाँ से। मैं आपको दिखाऊंगा आज गोवर्धन को किस तरह से लोग सेलिब्रेट करते हैं गोवर्धन पूजा पे, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको मिलेगी। और आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इंस्ट्रूमेंटल्स सॉन्ग भी लोग गाएंगे, क्योंकि अभी ग्रहण आज के डेट में कुछ ग्रहण होते हैं जो हिंदू उसमें माने जाते हैं। इसी काल में भजन कीर्तन भी यहाँ पे कर रहे हैं लोग, और जब आप बनारस आए और भजन कीर्तन ना सुने तो ये अलग बात है, हो ही नहीं सकता है। बनारस में भी आप आए और भजन कीर्तन ना सुन पाए तो हो नहीं सकता है। बनारस की ब्यूटी है, राजघाट पुल आप देख सकते हैं, इसकी खासियत है कि इसमें ट्रेन और व्हीकल्स दोनों के लिए पुल बनाई गई है, बहुत पुराना पुल है। आज बनारस आए तो मैं सोचा कि आपको पूरे राजघाट का मैं नज़ारा दिखाऊंगा बनारस से, जो कि बनारस में आप सुने होंगे तो यहाँ पे 80 घाट है, 80, 81, 82 हो चुके हैं अभी फिलहाल के वक्त में, बट 80 घाट के नाम से भी यहाँ पे फेमस है। और ये आप राजघाट पुल देख रहे हैं, जो राजघाट पुल है बनारस की ब्यूटी में बोला जाता है इसको भी। यहाँ से व्हीकल्स एंड ट्रेन दोनों के लिए पुल बनी हुई है, जिसपे ऑलरेडी हम लोग यात्रा कर चुके हैं बहुत टाइम। और ये गंगा जी हैं जो बनारस के बीचों बीच वाला घाट है, सबसे लास्ट वाला घाट है, बीचों बीच नहीं बोल सकते राजघाट। और ये बनारस की ब्यूटी है घाट की, इस घाट की ब्यूटी को यदि आप देखेंगे तो बहुत ही सुंदर है यहाँ पे। और बोला जाए तो गोवर्धन के पर्व पे आज यहाँ पे फंक्शन होते हैं, जो आप देख सकते हैं इतनी जनता जुटी रहती है कि गोवर्धन पर्व पे यहाँ का फंक्शन मनाया जाता है। यदुवंशी रीति के लोग, जो यदुवंशी कुल के लोग हैं, वो यहाँ पे गोवर्धन पूजा पे आ करके फंक्शन सेलिब्रेट करते हैं। आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त यहाँ का माहौल है, और गंगा माँ के यदि आप किनारे आएँ तो आपको समझ में आ जाता है कि कितना अच्छा माहौल है। ये जो देख रहे हैं यहाँ पे काशी के घाट पे जो राजघाट है वहाँ पे बना हुआ है, और यहाँ पे आए और बाबा विश्वनाथ गंगे का सॉन्ग न सुने अलग बात है, वही नहीं सकता है। हर हर महादेव गंगे काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभू काशी विश्वनाथ गंगे का सॉन्ग जो है ये आपको बराबर मिलता रहेगा। यदि आप बनारस की गलियों से गुजरेंगे सुबह शाम तो आपको हमेशा मिलता रहेगा। जो घाटों का छवि है आप देख सकते हैं, काफ़ी सुंदर बना दिया गया अभी बनारस को। अभी मैं आपको ले चलता हूँ फंक्शंस में, दिखाता हूँ कि बहुत सारे लोग आए हुए हैं गोवर्धन पूजा के पर्व पे फंक्शन मनाया जाता है बनारस में। इसकी खासियत है कि यहाँ पे यदुवंशी कुल के लोग मनाते हैं इस पूजा को और इस पर्व को। देख सकते हैं आप सब लोग इतनी तालियों की आपकी गूंज होनी चाहिए, लगे कि बाबा विश्वनाथ तक आपकी आवाज पहुंच रही है। विश्वनाथ गंगे मेरी बताए मैंने तो बजा रही है, लेकिन इधर वाले भैरव बाबा लोग आप लोग भी बजाइए।
काशी विश्वनाथ और लोगों के अंदर में गुनगुन में और रग रग में भक्तिमय होता है यहाँ पे लोग, और बनारस इतना भक्तिमय होता है कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। यदि आपको जिंदगी में कभी टाइम मिले तो बनारस जरूर आइए, और 2-4-10 दिन का भी टाइम लेके आइए बनारस को समझने के लिए, क्योंकि बनारस क्या है, इसका कल्चर क्या है, आपको समझने में कम से कम 10 दिन लग जाएंगे। तो इसको समझना है तो आप 10 दिन की छुट्टी लीजिए और बैग पैक करिए, मोबाइल बंद करिए और सीधा बनारस आ जाइए। I'm gonna make it.